दोस्तों मैं कब से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से हम बागेश्वर से चले हैं और अभी लगभग यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर दूर बैजनाथ टेम्पल है, हमारे राइट साइड में बागेश्वर से ही नदी साथ के साथ चलती आ रही है। बहुत ही सुंदर भी हूँ, बाहर निकल के मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा था, लेकिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है। बारिश होने का मतलब बाहर निकलेंगे या भीगेंगे तो पक्का बीमार पड़ना है। गलती हमसे ये हो गई कि हम घर से छाता लेके नहीं निकले थे। अगर अम्ब्रेला हमारे पास होता तो प्रॉपर एक वीडियो एक अच्छा सा बना देते। चलो लेकिन चलिए आपको बाहर का व्यू दिखला देते हैं। सामने है गोमती रिवर और उधर जो आप रोड देख रहे हैं वहीं से हम आगे की तरफ लगभग 8 से 10 किलोमीटर और चलेंगे और पहुंच जाएंगे बैजनाथ। बैजनाथ से थोड़ा पहले ही देखिए कितना शानदार व्यू है। धान की फसल यहाँ लगाई जा रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और इधर राइट साइड का व्यू भी आप देख लीजिए, अभी यहाँ सभी तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी। पार्किंग में हमने अपनी कार पार्क कर दी है, काफी बड़ी पार्किंग है, इधर से भी टेम्पल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे इस तरफ से। लगभग 200 से 300 मीटर चलने के बाद इस जगह हम पहुंच गए हैं। से होते हुए गरुड़ पहुंच जाएंगे और इधर लेफ्ट साइड की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है बैजनाथ टेम्पल के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल ही रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। राइट साइड में बह रही है गोमती रिवर। सीधे चलते चले जाएंगे और कुछ ही देर में हम बैजनाथ टेम्पल पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड में मंदिर परिसर है, यहां से कुछ इस तरह का व्यू देखा जा सकता है। यह मंदिर उत्तराखंड में कुमायूं मंडल के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं। यह टेंपल लगभग 1000 वर्ष पुराना है और लगभग 1126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान शिव के मंदिर के अलावा यहाँ 17 और अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। टोटल 18 टेंपल्स यहाँ स्थित हैं। प्राचीन समय में इस नगर को कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी देखरेख की जा रही है। टेम्पल के सामने शानदार लेक का भी निर्माण किया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। कुछ इस तरह के टेम्पल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सामने है लेक, अभी आपको दिखाई ही थी। बोट राइडिंग के ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपका मन है तो आप यहाँ बोट राइड भी कर सकते हैं। इस तरफ बना हुआ है भगवान शिव का मुख्य मंदिर, जिसके दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ दूर दूर से खींचे चले आते हैं।
आगे की तरफ बना हुआ है फ्लोटिंग ब्रिज। सामने की तरफ है पार्किंग, जहां हम अपनी गाड़ी पार्क करके गए थे। दोस्तों, अब हम यहां से चलेंगे कौसानी की तरफ। आज नाइट का स्टे हम कौसानी में करने वाले हैं। कुछ इस तरह के शानदार रास्तों से होते हुए लगभग 30 मिनट में 11 किलोमीटर का सफर तय करके हम होटल पहुंच चुके हैं। होटल के रूम में पहुंचने के बाद जैसे ही हम बालकनी की तरफ आगे को आए तो एक बेहद शानदार नज़ारा हमें देखने को मिला। देखिए कितना शानदार और ज़बरदस्त व्यू है। सामने हैं ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, 180 डिग्री हिमालयन व्यू। क्या गजब एक्सपीरियंस है। सच कहूं तो इस ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट व्यू है ये। मन कर रहा है यहीं बालकोनी में घंटों बैठे रहें और यहां से इस शानदार नजारे का एंजॉय करते रहें। इस बालकनी की राइट साइड से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है और हम इधर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाते हैं तो देखिए क्या गजब और शानदार व्यू है। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। अभी के लिए आपके होस्ट का आपको नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।